हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूं गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं नाइन ऑफ विंटर एंड क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। नाइन ऑफ विंटर की एनर्जी आपसे कहती है अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोस, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम। तो हो सकता है किसी बात को लेकर आप एक अननोन फियर्स में बने हुए हो, ये बात या तो आपके इस पर्सन से रिलेटेड हो सकती है जिस किसी के लिए भी आप आज की एनर्जी देख रहे हो, या फिर आपके करियर फ्रंट को लेकर हो सकती है कुछ बातें, या जनरली लाइक फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर हो सकती हैं बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज एक करियर फ्रंट की भी बात यहाँ पर हो सकती है गाइस। तो जो भी बात है वो बात आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सता रही है, एक चिंता और एक वरी में आपको यू नो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस करवा रही है कि आप अकेले खुद में वो सारा पेन या वो एक ऐसा फियर शायद सेंस कर रहे होंगे जो एक्चुअल में देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये खुद में ही आपने कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लिए होंगे। अगर चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लो इस पर्सन की वजह से अगर आप एक ऐसे अननोन फियर में आ चुके हो जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं, या ग्रो कर पाएगा या नहीं, आपके पर्सन का अटेंशन अगर आपकी तरफ बहुत ही लीस्ट वेज में बना हुआ है तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मे बी योर पर्सन इज इग्नोरिंग यू और इनका ज़्यादातर फोकस या ध्यान कहीं और है। यू नो ये चीज़ आपको शायद अंदर से एक तरह की टेंशन दे रही होगी, एंग्जाइटी आप महसूस कर रहे हो कि अब आगे क्या। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इफ़ इट इज़ अबाउट द करियर फ्रंट, आपको लग रहा होगा करियर के वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे होंगे, अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो अपने करियर्स पर तो शायद ये चीज़ या ये चिंता भी आपको सता रही होगी गाइस, तो ये भी बात हो सकती है। बहुत सारे अदर लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को भी लेकर चीज़ें हो सकती हैं, अगर पर्सनल लाइफ भी आपकी ग्रो नहीं कर रही है तो इस बात की भी टेंशन आपको महसूस हो रही होगी। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज कहती हैं बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। तो हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, इनसे आप या तो मदद सीख कर सकते हैं गाइस, इनसे कुछ सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, ताकि एक जो बैलेंस अभी आप नहीं अचीव कर पा रहे हो पर्सनल लाइफ के साथ साथ इमोशनल लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है। आज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में एक चिंता या एक एंजाइटी इशू बना हुआ है, जहाँ पर आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को सेंस करके खुद में ही एक डर महसूस कर रहे होंगे अगर एक्चुअल में ऐसी चीज़ें ना भी हो गाइस। हो सकता है अगर आप अपने पर्सन की तरफ से एक बिहेवियर की वजह से खुद में वो एक लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हो, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन नेगेटिव सोच कर भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे गाइस। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब कभी भी आपका माइंड आपको नेगेटिव सिनेरियोस शो कर रहा है तो जस्ट ट्राई टू टेम योर ब्रेन, जहाँ पर आप अपने ब्रेन को किसी पॉजिटिविटी की तरफ चैनल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर लो जो आपकी एनर्जीज को लाइट करे। आपका फेवरेट पास टाइम जो भी है उस पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें मोटिवेशनल के तौर पर इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको आपकी जो एनर्जी को एक तरह से हायर वाइब्रेशंस में लेकर आए, आपको अच्छा फील करवाए। वरना अगर नेगेटिव पॉइंट को आप हमेशा
बार बार उसी पैटर्न से सोचते रहोगे तो वो एक मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो चीज़ होने भी नहीं वाली होती है वैसी चीज़ आप इवेंचुअली देख बैठते हो, क्योंकि आपने ऐसा सोचा था और वही आपने अट्रैक्ट किया। तो ये एक तरीका है गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स दिस वे कि आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, आप इवेंचुअली वही अपने फोर फ्रंट पर होता हुआ देखते हो। तो नेगेटिविटी से हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी आप नेगेटिव फ्रेम में हैं तो ट्राई कीजिएगा, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आप या तो मेडिटेट करें या तो उस थॉट के बारे में सोचना छोड़ दें, पॉजिटिव सोचा करें। फाइन, भले ही वो चीज़ नामुमकिन ही क्यों ना हो, अगर आप उसके बारे में एक पॉजिटिव थॉट रख रहे हैं तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, भले ही वो चीज़ आप इवेंचुअली देख पाए या ना देख पाए, दैट्स अनदर थिंग, वो यूनिवर्स का काम है। अगर वो चीज़ आप डिजर्व करते हो, अगर वो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी गई हो, तो वो आपको मिलेगी ही, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जब चीज़ें आप पॉजिटिव वेज में मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो नेगेटिव सोच कर उसका एक आधा चांस भी आप क्यों मिस आउट कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको हो सकता है एक फ्रेंडली एडवाइस दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने मदद सीख करनी है गाइस, और अपने मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज लाइफ एक्सपीरियंस की बनी हुई हैं। तो इस कार्ड में लिखा है, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हो सकता है ये भी किसी बिलीफ सिस्टम से खुद को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका भी कुछ पर्सपेक्टिव होगा, इनका भी कुछ बिलीफ सिस्टम होगा। ये हो सकता है आपके बिहेवियर्स को देखकर इस एनर्जी में चैनल हो रहे होंगे, कि आपकी तरफ से जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, जो भी एनर्जी एमिट हो रही है, तो एक यू नो हैवीनेस ये भी महसूस कर रहे होंगे सडन वेज पर। ये भी बहुत सारी चीज़ों को शायद महसूस कर रहे होंगे गाइस, और यही वजह है कि इन्होंने भी आपकी तरफ कम्युनिकेशन रखना छोड़ दिया होगा, या ये कुछ टाइम ऑफ लेना चाहते हैं, एक सेपरेशन में ये चले गए हैं, या फिर आपकी चुप्पी इन्हें कंफ्यूजन में डाल रही है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या हो गया। आप लोग अगर 5D लेवल पर एक कनेक्ट महसूस करते हो गाइस, तो भले आप कुछ कहें ना कहें, वो एक हैवीपन महसूस होता है अंदर से। अगर आपके पर्सन आपसे नाराज़ है तो आपको फील होगा, अगर आप इनसे नाराज़ हो तो इन्हें भी फील होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब कभी भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचें तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही सोचें, क्योंकि आप एनर्जीज या फ्रिक्वेंसीज इनकी तरफ उसी वेज में चैनल कर रहे हो, आप वही इनकी तरफ भेज रहे हो। अगर नेगेटिव थॉट्स के साथ आप इनके बारे में सोचोगे तो आप वही भेजोगे इनकी तरफ। एंड ऐसा ये भी सोच सकते हैं, यू नो, अगर ये अच्छा भी सोच रहे हैं आपके बारे में तो आपकी उस नेगेटिव थॉट की वजह से ये आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगेंगे। तो ये भी एक वजह होती है कि अक्सर मतलब जब कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस एक दूसरे के बीच में क्रिएट हो जाती है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव एनर्जी सेंस कर करके सिचुएशन को और भी वर्सन बनाते हैं गाइस। तो जब कभी भी आप एक डिसएग्रीमेंट या एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन अपने पर्सन के साथ देखते हैं, तो ट्राई कीजिएगा कि आप अपना ध्यान कहीं और चैनल करें, मतलब उस पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में ना सोचें। ऐसा करने से वो जो सिचुएशन है, वो जो एनर्जी है, वो वार्ड ऑफ हो जाएगी। आप एक नई एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकोगे। तो ये चीज़ें हैं गाइस, अब ये ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपके पर्सन अगर अच्छे मूड में रहे भी होंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ये भी एक तरह के टावो मोमेंट में चले गए हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें अभी आपको लाइटन अप करनी पड़ेंगी। तो फाइनली इट इज लीडिंग टूवर्ड्स द प्रिंसेस ऑफ समर एनर्जीज। इट टॉक्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इन्विटेशंस टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न विद। और इस कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेंटल, सेंसिटिव, काइंड एंड इनएक्सपीरियंस्ड।
तो यहाँ पर बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है गाइस, या तो इस पर्सन की तरफ से या आपका इस पर्सन की तरफ एक जेस्चर या साइन जा सकता है, एक एक नई शुरुआत, यू नो, एक इमोशनल एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर दोबारा से महसूस कर पाओगे। अगर 5D लेवल पर आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं एक दूसरे की तरफ, अगर यू नो आप दोनों कोल्ड बने हुए हो, तो ये चीज़ टर्न हो रही है यहाँ पर। एक दोबारा से आप इमोशनल कनेक्टिविटी देख पाओगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर आप सोच कर ऐसी एनर्जी क्रिएट कर चुके हो और वो इमोशनल कनेक्ट महसूस नहीं हो रहा है एक दूसरे की तरफ, तो कुछ चेंज यहाँ पर हो रहा है। या तो आपको ऐसा मौका दिया जाएगा बाय द यूनिवर्स कि आप इनसे दोबारा से वो कनेक्ट बना सकें, या फिर आपके पर्सन खुद कुछ ऐसा जेस्चर या साइन आपकी तरफ पेश कर सकते हैं कि आप दोबारा से वो एक वॉर्म्थ, अभी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस कर रहे होंगे, इवेंचुअली वो एक वॉर्म्थ आप अपने पर्सन की तरफ से देख सकते हो गाइस, जो कि शायद आप मिस कर रहे हो। इस वजह से आपको लग रहा है कि आप अकेले हो अभी, यू आर फीलिंग लोनली एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान भी महसूस कर रहे होंगे। आपको एक ब्राइटर लाइट नज़र नहीं आ रही कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और जिस वजह से आप अननोन फियर्स में बने हुए हो, तो ये चीज़ यहाँ पर 100% रिजॉल्व हो रही है गाइस। आपके वो फियर्स हट जाने हैं क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से दोबारा से वो एक वार्म जेस्चर आप देख सकेंगे, या एक वार्म कम्युनिकेशन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकोगे, जहाँ पर वापस से आप दोनों ही के मूड्स जो हैं वो लाइट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये होने वाला है। इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहता तो वो क्या होता गाइस, तो यहाँ पर जर्नी का कार्ड अपियर हुआ है आपके लिए। तो जर्नी टॉक्स अबाउट, एक लिटरल जर्नी हो सकता है ये, या फिर एक मेंटल या फिजिकल जर्नी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए मेटाफोरिकल जर्नी हो सकता है गाइस, जहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो, एंड यू गाइस आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स हियर, जिसके चलते आप अपनी इस जर्नी पर बहुत कुछ चेंज कर पाओगे या फिर सीख पाओगे। जर्नी होता ही किस लिए है, जहाँ से हम चलते चलते बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, और जहाँ पर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब चीज़ें भी होती हैं, खुशियों वाली चीज़ें भी होती हैं, थोड़ी दुखद चीज़ें भी होती हैं गाइस। तो इस तरह से आप जर्नी को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ोगे। बहुत लोगों के लिए लिटरल जर्नी भी हो सकता है, अगर आप यू गाइस आर जस्ट लेटली बीइंग सो बोर्ड विथ योर होम लाइफ और समथिंग, तो आपको एक जर्नी लेना पड़ेगा, एक ट्रिप आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो लाइटन अप हो सकें, आप दोबारा से वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकें गाइस। तो ये आपसे कहा जा रहा है, एंड इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड जो वर्जन है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस भी चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।